गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आए हैं घूमने सेब का बगीचा। यहाँ पर जो ये पेड़ हैं, ये है सेब के, और आजकल इसमें खिले हैं फूल। हिमाचल में 5,000 फीट से लेकर 7,000 फीट तक आजकल सेबों में फूल खिल चुके हैं। 7,000 की हाइट से ऊपर जो सेब के पौधों में फूल आते हैं, वो लगभग 15-20 दिन बाद आते हैं। सब जगह फूलों की सफ़ेदी ही सफ़ेदी छाई है, और इन फूलों पर मधुमक्खियां भी मंडरा रही हैं। मधुमक्खियाँ फ्रूट सेटिंग में काफ़ी मदद करती है। ये पराग को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है। फूलों में भी मेल और फीमेल का सिस्टम होता है। मेल फूल के जो पोलन है, वो फीमेल फूल से टच होता है, और उसके बाद उसमें फ्रूट सेटिंग हो जाती है। मधुमक्खियाँ जो है पराग को इधर उधर ले जाती है। यहाँ पर इस बगीचे में एक छोटा सा तालाब भी बनाया गया है। इसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, और इस ड्रम में भर के जब भी सेब के पेड़ों के लिए स्प्रे की आवश्यकता होती है, इस ड्रम से पानी लेके इन पौधों में स्प्रे की जाती है। आजकल सेब के पौधों में सब जगह सफ़ेद फूल खिले हैं। यहाँ पर रखा गया है घास। ये घास एक लकड़ी के डंडे पर टिकाया गया है, ताकि ये पानी से सुरक्षित रहे, और जब पानी हो, पानी की वजह से ये ना सड़े, और इसे पशुओं को खिलाया जाएगा। बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पर सेब की सेटिंग हो चुकी है। ये जो दाने दाने से आप देख रहे हैं, ये है सेब, और इस स्टेज को फ्रूट सेट स्टेज कहा जाता है। और ये थोड़ा सा अब इसकी पंखुड़ियाँ भी गिरने लगी है, और इसमें भी फ्रूट सेट हो चुका है। कई जगह भी फूल खिले हैं, उसमें मधुमक्खियाँ पोलन को इधर उधर फूलों में ट्रांसफ़र कर रही है, जिसकी वजह से सेब के पेड़ों में फ्रूट सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पर ये सामने सेब के कैसे छोटे छोटे से दाने बन चुके हैं। ये बिल्कुल मटर की फली की तरह है, और ये है फूल, और ये नज़दीक से भी वो सेब के पौधे का। हिमाचल की आर्थिकी में सेब का बहुत बड़ा योगदान है। हर साल सेब की फसल से हिमाचल में काफ़ी पैसा हिमाचल में आता है, और किसान बागवानों की ये जेब भरता है। थोड़ा सा नज़दीक से व्यू सेब के पेड़ का। इसमें पत्तियां भी अब आनी शुरू हो चुकी है, और
अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें मधुमक्खियां भी इधर उधर इन फूलों में मंडरा रही है। इन मधुमक्खियों में पोलन चिपक जाता है जो कि पॉलिनेशन में बहुत अच्छी मदद करता है। बिना मधुमक्खी के कभी भी फ्रूट सेटिंग नहीं हो सकती। अगर मधुमक्खियां ना हो तो कोई भी फसल, बहुत कम फसलें ऐसी है जो मधुमक्खियों के बगैर जिनकी पैदावार होती है। आजकल मौसम भी काफ़ी स्थिर चला है। जब भी सेब के पौधों में फूल खिलते हैं उसमें मौसम बिल्कुल स्थिर रहना चाहिए। तापमान में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव फ्रूट सेटिंग को प्रभावित कर सकता है या फ्रूट सेटिंग ना के बराबर भी हो सकती है। ये बहुत ही प्यारा व्यू। यहाँ पर एक कुत्ता भी सेब के पेड़ों की रखवाली के लिए रखा गया है। जब भी कभी बंदर आते हैं उस वक्त ये भौंकता है और फिर हम अलर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बंदर सेब के पौधों में सेब को नहीं तोड़ पाते। बंदर अगर सेब के बगीचे में आ जाए तो बहुत ये नुकसान करते हैं। यहाँ से जो ये जंगल का एरिया शुरू होता है, इन्हीं जंगलों से बंदर सेब के पौधों में नुकसान पहुँचाने के लिए आते हैं। ये यहाँ पर रखा गया है गोबर, इसमें गड्ढा करके और उसके ऊपर गोबर डाला जाता है और सर्दियों में जब भी सेब के पौधों में खाद की ज़रूरत होती है इस गोबर को डाला जाता है। और यहाँ पर जब भी बारिश होती है कोई आदमी सेब की बगीचे की रखवाली के लिए होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर अस्थाई झोंपड़ी बनाई गई है, ये यहाँ पर बैठने के लिए और टहनियों की मदद से यहाँ पर ये झोंपड़ी बनाई गई है। जब जैसे जैसे सेब बड़े होने शुरू होते हैं वैसे वैसे मौसम भी थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, लेकिन बंदरों की वजह से सेब की रखवाली बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर ऐसी अस्थाई झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं जिससे सेब की रखवाली काफ़ी अच्छी तरह से हो पाती है। ये बहुत ही प्यारा व्यू।